नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लोक संपर्क विभाग के रिटायर्ड DIPRO सुरेंद्र कुमार वर्मा कोत को उत्कृष्ट समाज सेवा कार्यों के लिए पगड़ी एवं पटका पहनाकर महाराजा अजमेर रत्न उपाधि से नवाजा गया। यह सम्मान महाराजा अजमेर जी सुनार जन सेवा संस्थान रोहतक के तत्वाधान में वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के सानिध्य में नूर गार्डन में वैदिक सनातन नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय सोनी समाज मिलन समारोह में प्रदान किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए वैद्य सत्य प्रकाश आर्या ने कहा कि सोनी समाज के विकास एवं उत्थान के लिए राजनीतिक भागीदारी जरूरी है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज की एकता एवं आपसी भाईचारा मजबूत बनाना होगा। उन्होंने सोनी समाज की सुरक्षा, बच्चों के लिए रोजगार, महिला सशक्तिकरण और अन्य हितों बारे भी प्रकाश डाला। उन्होंने संस्कृत भाषा में कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। इस समारोह में नारी सम्मान के साथ साथ सोनी समाज की कई विभूतियों को भी समाज सेवा कार्यों के लिए पगड़ी एवं अजमेर रत्न देकर सम्मानित किया गया। जींद से हमारे संवाददाता सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। आज जो समारोह हुआ है उसमें तो मैं यही कहता हूँ कि उन लोगों ने जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाली है, मुझे उस पर विश्वास किया है, मैं अपने उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और बहुत ही जल्दी अपने समाज के विकास के लिए जो मैंने कहा है और जो आप लोगों का आदेश है और जो सभी की इच्छा है कि हमारा अजमेर भवन तैयार होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, हमें धार्मिक हमारी भागीदारी होनी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, वो सभी हम उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे जो नेता बनना चाहते हैं, वो उद्योगपति बनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, उनका हर तरह से सहायता करेंगे, सहयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। देखिए यत्र नारी स्थिति भोजनते रमनते तत्र देवता, मातृशक्ति का और इतना आना क्योंकि हमारे लिए तो बड़ा अचंभित है, क्योंकि पहले भी मैंने सन 2014 के अंदर सम्मेलन किया था, बहुत प्रयत्न किया था लेकिन संख्या बल नहीं था। आज मातृशक्ति भी हमारे बीच में आई है तो मैं पूर्ण रूप से आशावान हूँ कि आने वाला समय जो है महाराज अजमेर वंशजों का ही होगा। तो देखिए लोग अभी देरी होगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपका अपना होगा। हमें देखना नहीं पड़ेगा कि हमारा संगठन कमजोर है कि नहीं, हमारा समाज जुड़ा है कि नहीं, आप सभी देखेंगे हमारा समाज कैसे विकास करता है। हाँ, ये कुछ लोग जो दिल्ली से आए हुए हैं, लेट भी आए हैं, नजरें भी दिखा रहे हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज गंभीर जी बहुत हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।